Let's get a quick view of my BMW. कि ये मेड इन जर्मन टायर है, तो ये गाड़ी के साथ मतलब फुल इम्पोर्टेड गाड़ी है। Hi guys, what's up? Hope you're doing great. आप लोग कैसे हो? आप लोग बोलोगे यार ये मैंने कैप पहन के क्या कर रहा हूँ, घर के अंदर हूँ मैं, आप देखो, और मैं ये कैप पहन के क्यों खड़ा हूँ, क्यों व्लॉग बना रहा हूँ। अरे भाई, मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि आज एकदम मस्त काम अपन का आएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या आ गया है। ये देखो, चेन स्प्रे जो है, ये अपना जो BMW का जो है उसका मुझे चेन क्लीन करना है। और मैं सोच रहा हूँ भाई, अभी अब रमज़ान भी है, थोड़ा सा मैं अभी फ्री था, मैं अभी कुछ काम ख़त्म करके आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये भी आज काम ख़त्म कर देंगे। तो आज का पूरा व्लॉग ये चेन स्प्रे के लिए है। मैं चेन कैसे क्लीन करता हूँ, उसको कैसे चेन स्प्रे करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आप बोलोगे यार ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ये शेयर करना क्या है। अरे देखो, ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ हर चीज़ मैं शेयर करूँ, राइट, जिससे मैं आप लोगों को हर चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही व्लॉग है, राइट। सो आज ये पूरा चेन स्प्रे के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग एवरीथिंग। आप लोग कैसे हो, अच्छे ही होंगे एज ऑलवेज। ये वाला मैंने चेन स्प्रे मंगाया है, आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च 2023, 425 रुपये। ऐसे मैंने दो मंगाए हुए हैं एक्चुअली, मुझे डील अच्छी मिल रही थी। और अभी जस्ट पहुंचा हूं, और मैं आपको रास्ते का जो भी व्यू है वो भी बताना चाहता था, लेकिन मैं आया ओला पर, और मेरा जो हेलमेट है उसका जो है वो घर था। मैं सोच रहा था भाई कहाँ निकालूँ और मैं वापस उसमें GoPro अटैच करूँ, सो मैं बोला चल भाई वहीं पहुँच के आपको बताता हूँ। तो लेट्स गेट अ क्विक व्यू ऑफ माई BMW। हम लोग अंकलेश्वर राइड्स गए थे, तो ये सब टायर में बहुत वो हो गया था, अभी इसको मस्त पॉलिश वालिश किया कल और पूरा क्लीन कर दिया गाड़ी। पीछे का टायर तो देखो, आय हाय। अब ये जो टायर है ना, इसके जो टायर है वो भी क्या है कि कॉमन टायर नहीं है ये, मतलब ये मैक्जेलर ब्रांड के टायर है, विच मीन्स के जो सुपर बाइक्स चलाते हैं वो समझ गए होंगे कि ये मेड इन जर्मन टायर है। तो ये गाड़ी के साथ मतलब फुल इम्पोर्टेड गाड़ी, एक चीज़ भी मतलब आपको इसमें कुछ वो नहीं दिखेगा। गाड़ी को मैंने वॉश किया था कल, उसका मैंने रील्स डाला हुआ था इंस्टाग्राम पर। तो मैं आ चुका हूँ, मेरा दोस्त भी रेडी है, अभी इसको हम क्विक स्प्रे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। अगर तब तक अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल व्लॉग एवरीथिंग, आपको अच्छे से अच्छी बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होने के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, देखो चेन तो वैसे क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, वैसा नहीं है कि भाई ज़रूरत है ही, अपन को एडवांस में चलने का, ये सब खराब होने का वेट नहीं करना है हमको। ये सब गाड़ी कैसी है, आपको प्री मेंटेन रखना होता है, मीन्स के इसमें ख़राब होने के लिए आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रांडेड आइटम है, अगर ख़राब होगा भी तो कुछ ना कुछ मतलब बहुत बड़ा खर्चा आएगा, राइट। BMW के सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर सब बहुत कॉस्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसमें हर चीज़ प्री मेंटेन करना होता है, और हर चीज़ पहले से ही सही कर देना होता है, टाइम टू टाइम कर देना है, ताकि उसको बहुत हैवी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये गाड़ी जब भी सर्विस में जाएगी BMW के सेंटर में, मैं आपको उसका व्लॉग भी डालूँगा। एक राउंड पूरा चेन स्प्रे हो चुका है, और मैंने इसे जो पुट्ठा है जो मैंने उसके बैक साइड रखा था ताकि वो फैले नहीं इधर उधर, मैंने इस पर थोड़ा सा स्प्रे किया और मैंने थोड़ा उंगली से टेस्ट किया, तो स्टार्टिंग में वो केरोसिन जो पेट्रोल जैसा होता है वैसा थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगा, केमिकल टाइप, और उसके बाद कुछ 15-20 सेकंड बाद वो एकदम से
चिपचिपा हो गया, वो जो उसको ल्यूब्रिकेंट जो चाहिए चेन को, तो वो बिल्कुल परफेक्ट मतलब कि ये चीज़ है और यही चाहिए थी। इसमें यहाँ पर ये जैक की जगह पर ये रखा हुआ था, ये यहाँ पर, ताकि ये टायर क्या है थोड़ा ऊंचा हो जाए और ये अच्छे से घूम सके और चेन पर स्प्रे अच्छे से मार सके। सो ये दो राउंड चेन स्प्रे मार दिया है भाई, थक गए, रोज़ा भी है। सो अभी दो राउंड मार दिया चेन स्प्रे, पहले मार दिया फिर थोड़ा रुके, थोड़ा सा वो एकदम मस्त हो गया टाइट, फिर दूसरा राउंड हमने मारा। सो चेन स्प्रे का काम ख़त्म हो गया। सो चेन स्प्रे बस इसीलिए थोड़ा ज़रूरत था ताकि गाड़ी और स्मूथ चले, और चेन जो कि है आपको वो मेन है गाड़ी में, राइट, वो गाड़ी को आगे ऐसे चला दिए, सो वो स्मूथ रहना और उसका मतलब आवाज़ भी ना आए और गाड़ी बहुत अच्छी चले। सो दैट्स वाई उस चीज़ के लिए मैंने ये चेन स्प्रे ऑर्डर किया था और यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है। अभी बज चुके हैं 4:30, तो अभी एक टेस्ट ड्राइव लेने जाएंगे। सो टेस्ट ड्राइव लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे भाई कैसा है, लगेगा तो और थोड़ा डालेंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा है कि अब कुछ ज़रूरत रहेगी। तो अभी थोड़ी सी गाड़ी चलाता हूँ और एक टेस्ट ड्राइव लेकर आता हूँ आपसे, फिर एक क्या कैसा रिजल्ट है उसकी मैं बात करता हूँ। तो चाबी ले ली है, अब मैं ये गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, जैसे कि मैंने बोला कि टेस्ट ड्राइव लेंगे, क्योंकि चेन स्प्रे अब पूरा सा सूख गया है, मस्त हो गया है। ठीक, चलो चालू करेंगे। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शायद आपको पता हो कि ये सब जो गाड़ी होती है, ये सब जो सुपर बाइक्स हो, ये एडवेंचर्स जो बाइक होती है, उसमें क्या है कि आप एक बार सेल करो और जाओ ऐसा नहीं होता, उससे पहले कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है, विच मीन्स कि आप गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर दो और उसके हाल पर छोड़ दो, जहाँ तक कि RPM ऑटोमेटिकली सेट नहीं हो जाता, उसको आपको एक पता चल जाएगा कि अब ये सेट हो गए। मैं आपको सिखा, सिस्टम ऑन, अभी जैसे कि ये गाड़ी स्टार्ट कर दिए तो ये अपने आप इसका जो साउंड है वो सेट हो जाएगा, और साउंड अभी जो है उससे थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये, आप देखो अब ये जो RPM है, ठीक है, वो 2 पे है, अभी ये सेट होके और कम हो जाएगा। तो अभी ये कोल्ड प्ले कोल्ड स्टार्ट कर दिया है, अभी अब निकलेंगे बाहर टेस्ट ड्राइव लेकर। देखो 1 से 2 के बीच में आ गया, इसका मीन्स के RPM सेट हो गया, बस भी बहुत स्मूथ हो गया, पहले जो गाड़ी स्टार्ट की और जो उसका आवाज़ था उससे अब वो बहुत स्मूथ हो गया। सो अब गाड़ी चलाते, सुबह 6 बज चुके हैं शाम के, और पूरा काम ख़त्म करके मैं आ चुका हूँ, और चेन में स्प्रे भी डाला, और अभी मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली तो बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी, बहुत स्मूथ चल रही थी, और मैं सोच रहा था चलो भाई 6:45 हो गए, अब व्लॉग ख़त्म करें, गाड़ी की चाबी ये रही। सो जस्ट टेस्ट ड्राइव मैंने ले ली, अब देखता हूँ मैं, ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वापस चेन स्प्रे मारूँगा। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही था, जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल व्लॉग एवरीथिंग, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, हर चीज़ देखने को मिलेगी, राइट। सो बने रहिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।